साहित्य का इतिहास दर्शन के तहत ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि के बारे में हम बात करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन से परिचित हो सकेंगे। दूसरे, उनकी साहित्य इतिहास संबंधी अवधारणा को जान पाएंगे। तीसरे, भाषा के संदर्भ में उनकी दृष्टि को समझ पाएंगे। और अंततः उनके साहित्य इतिहास में काल विभाजन के आधार को भी समझ सकेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की ऐसी मजबूत नींव रख दी है कि बाद के लोगों ने उसमें कोई खास जोड़ा नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को छोड़ दें तो बाकी लोगों ने उनकी सिर्फ भद्दी नकल की है। कुछ लोगों ने कुछ एक तिथियों में हेर फेर कर दिया, या कोई साहित्यिक प्रवृत्ति है तो उस साहित्यिक प्रवृत्ति के नाम में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। इससे आगे बढ़ करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा, उसके ढांचे में कोई मूलभूत परिवर्तन कोई भी कर नहीं सका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है वह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के बतौर लिखा है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के बतौर लिखे गए इसी इतिहास को बाद में थोड़ा सा परिवर्तित और परिमार्जित करके छपा दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। इसके पहले रामचंद्र शुक्ल के का यह जो इतिहास है, इसके लिखे जाने से पहले जो भी इतिहास लिखे गए थे उनमें सिर्फ कवियों के नाम का उल्लेख था या विस्तृत विवरण हुआ करते थे। कोई भी व्यवस्थित साहित्य के इतिहास का ढांचा नहीं हुआ करता था। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक बहुत ही वैचारिक रूप से अच्छी तरह से बंधा हुआ एक ढांचे में लिखा गया साहित्य का इतिहास है। आचार्य शुक्ल ने यह इतिहास चार पड़ावों में लिखा था। इसका पहला जो पड़ाव है वह यह है कि उन्होंने लिखा है कि इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र कर रहे थे, और इसी आवश्यकता के कारण उन्होंने छात्रों के लिए ही स्नातकोत्तर की कक्षाओं के लिए नोट्स लिए थे। इन्हीं नोट्स के आधार पर उन्होंने एक कच्चा ढांचा पहली बार खड़ा किया था। उसके बाद दूसरा जो पड़ाव आया वह यह कि हिंदी शब्द सागर की हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखी गई भूमिका के रूप में यह जनवरी 1929 में प्रकाशित हुआ था। इसी का तीसरा पड़ाव जो है वह यह है कि 1929 में ही उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से स्वतंत्र साहित्य इतिहास की पुस्तक का प्रकाशन कराया था। चौथे पड़ाव में इसका एक संशोधित संस्करण बाद में प्रकाशित हुआ। ये रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के चार पड़ाव रहे हैं। आचार्य शुक्ल का जो इतिहास है उसको लिखते हुए उन्होंने भाषा पर भी पर्याप्त विचार किया है, क्योंकि पहले ही हमने बताया कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के बतौर इसे लिखा गया था, इसलिए भाषा का भी उसमें प्रसंग निरंतर चलता रहता है। उन्होंने लिखा है, शुक्ल जी खुद ही लिखते हैं, कि इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं लिखते थे, जन साधारण की बोली एवं गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित गंवारू समझते रहे होंगे। इसीलिए हिंदी साहित्य का इतिहास में जो भाषा का सवाल है उसे पंडित रामचंद्र शुक्ल देश भाषा काल कहते हैं, क्योंकि संस्कृत से अलग होकर के जहाँ पर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में साहित्य लिखा जाना शुरू हुआ वही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाएगा। और इसी दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के समूचे ढांचे को तो आदिकाल में भी जो आदिकाल के एकदम अंत में आने वाले खुसरो और विद्यापति नाम के लेखक हैं उनसे ही आपको वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं दोनों कवियों की भाषा में आपको लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा की का असली रूप मिलता है।
इसके पहले के जितने भी लेखक थे उन्होंने एक तरह की अप्राकृतिक किस्म की साहित्यिक भाषा में लेखन किया है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने जिन्हें आदिकाल में फुटकर कवि के रूप में दर्ज किया है, दरअसल हिंदी साहित्य का इतिहास वहीं से शुरू होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है आचार्य शुक्ल के साहित्य के इतिहास में ही कि उनके इतिहास को आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि एक अंतर्निहित दृष्टि काम कर रही है साहित्य के संबंध में, और वह यह कि साहित्य समाज का उत्पाद होता है। साहित्य इतिहास की जो धारणा उन्होंने बनाई है, अपनी भूमिका में लिखा है, और वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे ध्यान से याद रखना चाहिए। वह यह कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ध्यान देने की बात यहाँ यह है कि समाज, जनता की चित्तवृत्ति और साहित्य में परिवर्तन के बावजूद एक तरह की निरंतरता दिखाई पड़ती है, जिसे परंपरा कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल समाज, जन चेतना और साहित्य की परंपराओं के आपसी संबंधों के बोध से ही अपनी इतिहास दृष्टि का विकास करते हैं। तो आचार्य शुक्ल कहते तो हैं शुरू में ही कि जनता की चित्तवृत्ति, लेकिन उनके लेखन में, साहित्य इतिहास लेखन में ऐसा दिखाई पड़ता है कि जनता और शिक्षित जनता के बीच एक खास तरह का अंतर विरोध है। उदाहरण के लिए आप देखिएगा कि सिद्धोनाथों के क्रम में वह कहते हैं कि शिक्षित जनता को इनकी वाणी पसंद नहीं आती थी। यही नहीं, एक तरह का इस मामले में अंतर विरोध इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि शिक्षित जनता के लिए संतों की वाणी को तो वे बेकार कहते हैं, लेकिन सामान्य जनता के बीच गौरव का बोध जगाने के लिए उसका महत्व बतलाते हैं। इसलिए यह शिक्षित जनता और सामान्य जनता के बीच का अंतर विरोध उनके साहित्य इतिहास लेखन में निरंतर बना रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आचार्य शुक्ल के इतिहास की, वह है काल विभाजन। अब ध्यान देने की बात यह है कि काल विभाजन कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिसमें स्पष्ट रूप से एक इस साहित्यकार के मरने के बाद काल परिवर्तन हो गया, बल्कि आचार्य शुक्ल ने मोटा मोटा काल विभाजन किया है, और इस काल विभाजन में साहित्यिक प्रवृत्ति के बदलने को उन्होंने केंद्र में रखा है। इसी के साथ जुड़ी हुई बात यह है कि आचार्य शुक्ल जब काल विभाजन करते हैं तो अपने काल विभाजन के लिए वह रचनाओं की प्रसिद्धि को भी एक मानदंड बनाते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि रचनाओं की प्रसिद्धि केवल अभिजन के बीच नहीं हो सकती है, तो इसलिए यह जो जनता और शिक्षित जनता के बीच का द्वंद्व है वह उनके काल विभाजन के भी ढांचे में है, लेकिन फिर भी काल विभाजन का उनका जो ढांचा है वह केवल शिक्षित जनता पर आधारित नहीं है, बल्कि साहित्यिक कृतियों की लोकप्रियता पर भी आधारित है। आप देखेंगे कि आदिकाल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल आता है। भक्तिकाल के प्रसंग में अक्सर आचार्य शुक्ल पर आरोप लगाया जाता है कि वह इस्लामी आक्रमण को भक्तिकाल का आधार बताते हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं के कथन पर ध्यान दीजिए, वे लिखते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि केवल इस्लामी आक्रमण को आचार्य शुक्ल महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि जिस बात को आमतौर पर कहा भी जाता है कि द्राविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद, कहने का मतलब कि भक्ति का उद्भव तो दक्षिण में हुआ लेकिन उसे उत्तर में रामानंद लेकर के आए, यह चीज
इस धारणा में रामचंद्र शुक्ल के समर्थित होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लाम के आक्रमण से आचार्य शुक्ल हिंदी प्रदेश में एक खास तरह के सांस्कृतिक संकट को पैदा हुआ समझते हैं और इस संकट के जरिए ही भक्तिकाल के विभिन्न कवियों का वह मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिए रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास उनके लिए एक सांस्कृतिक संकट का प्रत्याख्यान करने वाले कवि भी हैं। इसीलिए उनके साहित्य में आचार्य शुक्ल इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वह पूरे समाज के संरक्षण के मानदंड अपने साहित्य के भीतर से पैदा करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यह कहने में कोई दो राय नहीं कि कबीर आदि जैसे कवियों के मूल्यांकन में उनसे थोड़ा सा अन्याय हुआ है। इसी के कारण आप देखिएगा कि आचार्य शुक्ल के चिंतन में एक तरह का द्वंद्व दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए वे प्रेम को, जो कि भक्ति का मूल है, उस प्रेम को कई बार गर्हित समझ करके उसकी निंदा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वे प्रेम को बहुत कुछ सूफियों के तर्ज पर चलता हुआ मानते हैं। हालांकि जायसी उनके लिए महत्वपूर्ण कवि इसीलिए हैं क्योंकि वे हिंदू घरों की कहानियों को एक तरह के आध्यात्मिक रूपक में ढालते हैं। लेकिन उन्होंने अन्य लोगों के, उदाहरण के लिए सूर के या अन्य कवियों के जो प्रेम भाव हैं, उनकी एक तरह से आलोचना भी की है। तो यह रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन का एक द्वंद्व दिखाई पड़ता है जो कि उनके यहाँ समूचे इतिहास लेखन में व्यक्त हुआ है। भक्तिकाल के उपरांत रीतिकाल के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि आचार्य शुक्ल श्रृंगार के विरोधी नहीं है, लेकिन वे रीति काव्य की जो संकुचित धारा है उसका हमेशा विरोध करते हैं क्योंकि उसका सामाजिक आधार दरबारी है। आचार्य शुक्ल की यह बड़ी विशेषता है कि वे जो रीतिकाल के कवि हैं उनमें मुक्तक के रचने में जो उनका साहित्यिक उत्कर्ष दिखाई पड़ता है, काव्य कला का उत्कर्ष दिखाई पड़ता है, उसको पहचानते हैं। उदाहरण के लिए बिहारी उनके यहाँ दोहों के सबसे सफल कवि के रूप में वर्णित हैं। लेकिन फिर भी चूंकि वो किसी मनोभाव के विस्तार में लिखी हुई कविता को अच्छा समझते थे, इसलिए इस मामले में भी वे बिहारी के मुकाबले देव को या सबसे आगे बढ़कर रीतिकाल के सबसे महत्वपूर्ण कवि घनानंद को सबसे अधिक पसंद करते हैं क्योंकि रीतिकाल में जो भावना की बंधी हुई एक परिपाटी बन गई थी उसको तोड़ करके जो कवि सामने आ रहे हैं उन्हें वे महत्वपूर्ण मानते थे। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल की यह जो इतिहास दृष्टि है वह वर्तमान के जो तकाजे हैं, उस समय भारत का स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, उस स्वाधीनता आंदोलन के दबाव और एक इतिहास में अतीत की कृतियों के महत्व को पहचानने, दोनों के मेल से उनकी इतिहास दृष्टि का विकास हुआ है। सबसे आगे बढ़ करके उन्होंने रहस्यवाद का, साहित्य के भीतर रहस्यवाद का प्रचुर विरोध किया है, बल्कि साहित्य को लोक जीवन की उपज माना है, जनता के भीतर की सृजनात्मकता को ही साहित्य समझा है और वर्तमान से जुड़े होने के कारण ही उनकी साहित्य दृष्टि छायावाद के प्रभावों से बहुत हद तक प्रभावित है। आचार्य शुक्ल के बारे में हम सभी जानते ही हैं कि उनके किताबों में भूमिकाएं सबसे महत्वपूर्ण चीज होती हैं। उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका लिखी है उसमें जो संक्षेप में तीन वाक्यों में हिंदी साहित्य का इतिहास का ढांचा प्रस्तावित किया है, उसमें ध्यान देने की चीज ये है कि जो साहित्य है, जो सबसे ऊपर का ढांचा है, यह साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। इसमें दो चीजें ध्यान देने की हैं। एक तो यह कि जो साहित्य है वह चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब है, अर्थात चित्त वृत्तियां बिंब हैं और साहित्य उनका प्रतिबिंब है,
कहने का मतलब कि आईने में जैसे मनुष्य की जो छवि दिखाई पड़ती है वह प्रतिबिंब है, उसी तरह से साहित्य के भीतर जनता की चित्त वृत्तियों की छवि दिखाई पड़ती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि यह प्रतिबिंब भी संचित प्रतिबिंब होता है। संचित प्रतिबिंब का अर्थ हुआ चुना हुआ या एकत्रित। तो इस तरह से जो साहित्य है वह जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब है, आईने में दिखाई देती हुई छवि की तरह से है, लेकिन वह संचित भी है, एकदम हूबहू प्रतिबिंब नहीं है। दूसरी बात यह है कि तीसरा स्तर है चित्त वृत्तियों के बाद कि जनता की यह जो चित्त वृत्तियां हैं, आचार्य शुक्ल स्वयं कहते हैं कि वे व्यापक सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। ये चित्त वृत्तियां परिवर्तित होती हैं, बदलती रहती हैं, और ये बदलती हैं इसलिए क्योंकि समाज में बदलाव आते हैं। समाज में जिन बदलावों पर वो जोर देते हैं वे बदलाव हैं धार्मिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक इत्यादि। तो इसमें जो राजनीतिक बदलाव वो कहते हैं, राजनीतिक बदलाव आप जानते हैं कि साहित्य बहुत कुछ राजनीतिक बदलावों से भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए आधुनिक काल के हिंदी साहित्य के बदलाव को परिभाषित करते हुए उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन को सबसे महत्वपूर्ण माना। आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास पर जब ध्यान दीजिएगा तो छायावाद, छायावाद के प्रसंग में बहुतेरे लोगों का कहना है कि जिंदगी भर रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का विरोध किया, लेकिन आप ध्यान दीजिए तो छायावाद की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बताते हुए वह कहते हैं कि इस समय भारत में चलने वाला स्वाधीनता आंदोलन दुनिया भर में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलनों के मेल में दिखाई पड़ा, अर्थात जो छायावाद की साहित्यिक प्रवृत्ति है उसके पृष्ठभूमि के बतौर दुनिया भर में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन है। इसकी पहचान हम समझते हैं कि उनके छायावाद विरोध से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो राजनीतिक तत्व है जो जनता की चित्त वृत्तियों पर प्रभाव डालता है, राजनीतिक परिवर्तन जो जनता की चित्त वृत्तियों में परिवर्तन लाते हैं, ये एक तीसरी कोटि है। इस तरह से उन्होंने साहित्य में परिवर्तन का जो ढांचा बनाया है वह सबसे पहले जो व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिसके साथ सांप्रदायिक भी उन्होंने जोड़ा है। अब यह जो सांप्रदायिक है इसके संबंध में ध्यान रखने की बात यह है कि यह धार्मिक नहीं है, क्योंकि धार्मिक परिस्थितियों को उन्होंने अलग से कहा हुआ है। तो यह जो सांप्रदायिक है वह धार्मिक से जब भिन्न होता है तो उसे समझना चाहिए विचारधारात्मक। उदाहरण के लिए भक्ति काल के प्रसंग में वह इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति के जो चिंतक हैं उन चिंतकों ने खास तरह का चिंतन जो विकसित किया उसके आधार पर संप्रदायों का निर्माण हुआ और उसका भी प्रभाव भक्ति आंदोलन, भक्ति साहित्य के ऊपर पड़ा हुआ है। इसलिए आप देखिएगा कि जब वे कृष्ण भक्ति परंपरा की बात करते हैं तो अष्ट छाप के कवियों को अलग से रखते हैं और अन्य कृष्ण भक्त कवियों को अलग से रखते हैं, क्योंकि अष्ट छाप के जो कवि हैं उनमें विचारधारा का प्रभाव है, वे एक खास संप्रदाय में दीक्षित हैं। तो यह सांप्रदायिक परिस्थिति है। तो ये परिस्थितियां जो कि सबसे नीचे हैं, जिसको आप कह लीजिए कि अंतरधारा के बतौर समाज में मौजूद हैं वे, और इनके परिवर्तन से जनता की चित्त वृत्तियों में परिवर्तन होता है। अब यह जो चित्त वृत्ति शब्द है इसकी भी व्याख्या के लिए हमें मनोविज्ञान की एक धारणा का सहारा लेना पड़ता है। मनोविज्ञान की वह धारणा है सामूहिक अवचेतन, यानी सामूहिक अवचेतन जिस तरह से होता है उसी तरह से किसी विशेष युग में खास तरह की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों से खास तरह की चित्त वृत्ति पैदा होती है। और इस चित्त वृत्ति का फिर तीसरा स्तर आता है जिसमें वह साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। इस प्रकार जो उनके
इस हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका है, उस भूमिका की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि उन्होंने एक ऐसा साहित्य इतिहास का ढांचा प्रस्तावित किया है जो बहुत ही लचीला है। अब आप देखिए कि वो ये कहते हैं कि यह जो परंपरा है, परिवर्तन है जो हो रहा है, निरंतर समाज में परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है और इन चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब साहित्य के भीतर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन साहित्य की भी एक स्वतंत्र परंपरा है। तो वे कहते हैं कि यह जो चित्तवृत्तियों का परिवर्तन है उसका साहित्य की परंपरा के साथ मेल दिखलाना, मेल होता नहीं है, उसे दिखलाना साहित्य के इतिहास का प्रमुख दायित्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का जो ढांचा है वह इतना मजबूत है, इतना गहन समझदारी के साथ वो लिखा गया है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उसके नए नए पहलू उद्घाटित होते जा रहे हैं। अब जिन लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से समस्या हुई, उन्होंने आखिर इतिहास लिखने के नाम पर नया किया क्या? उन्होंने कोई भी नई चीज नहीं की, कोई भी नया ढांचा नहीं प्रस्तावित किया। केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे हैं जिन्होंने साहित्य इतिहास लेखन का एक नया ढांचा प्रस्तावित किया, या अगर हम रामविलास शर्मा के भी लेखन में से साहित्य इतिहास जैसी चीज पा सकते हैं तो उन्होंने भी एक नया ढांचा प्रस्तावित किया। अन्यथा बहुत सारे लोगों ने रामचंद्र शुक्ल के ही इतिहास के ढांचे की नकल की है और वह नकल भी बहुत ही भद्दी किस्म की है। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के इतिहास में आरोप तो बहुत सारे लोग लगाते हैं कि उनका जो सामाजिक पृष्ठभूमि है और जो कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन है यह उस तरह से आपस में मिला हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये आपस में मिले हुए हैं। जैसा कि हमने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन आधुनिक काल में हिंदी भाषा को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ तक कि अलग अलग कवियों के मूल्यांकन में भी स्वाधीनता आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे उन्होंने, अच्छा दूसरी बात इस पर ध्यान रखिएगा आप कि तकरीबन अपने साहित्य इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने हजारे कवियों के बारे में लिखा होगा, लेकिन किसी भी एक आदमी के बारे में जो बात उन्होंने कह दी वह दूसरे के संदर्भ में दोहराई नहीं। और उसका कारण वही है कि एक ढांचा उनके दिमाग में बहुत सटीक रूप से मौजूद था और उस ढांचे के भीतर उन्होंने निरंतर गहन चिंतन के जरिए कवियों के मूल्यांकन को समझाने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए निराला के बारे में उन्होंने एक वाक्य लिखा है जिसकी व्याख्या बहुतेरा की जा सकती है। वह यह कि निराला में बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा थी। इस एक पदावली के जरिए उन्होंने निराला के लेखन में जो विविधता है, विषयों की विविधता है, जो उनके काव्य प्रयोगों की विविधता है, वह पूरी तरह से मूर्तिमान कर दी है। और आधुनिक काल के प्रसंग में जैसा कि हमने कहा कि जैसे जयशंकर प्रसाद की भी विशेषता को चिन्हित करते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने द्वंद्ववाद का अध्ययन किया था। तो इस तरह से जो उनका पृष्ठभूमि है, जो सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और कवियों का जो मूल्यांकन है वह उतना आपस में एक दूसरे से अलग नहीं है जितना बाद के लोग जिन्होंने आचार्य शुक्ल पर आक्षेप करते हुए नए तरह से इतिहास लिखने की कोशिश की है उनके इतिहासों में आप देखेंगे कि जो पृष्ठभूमि है और जो कवियों का मूल्यांकन है वह परस्पर एकदम एक दूसरे से अलग अलग है। यहाँ तक कि आचार्य शुक्ल के इतिहास पर आपत्ति जाहिर करते हुए जो कुछ ये लोग कर सके हैं वह यह कि मान लीजिए कि थोड़ा सा आदिकाल का प्रसंग पीछे कर दिया या किसी एक घटना का, उदाहरण के लिए मान लीजिए आधुनिक काल,
तो आधुनिक काल उन्होंने 1850 से माना है, उसको थोड़ा सा और सिस्टम व्यवस्थित कर दिया गया। इतना ही किया जा सका है, या उनके जो कालों के नामकरण है उसमें वीर गाथा काल की जगह आदिकाल, जबकि यह आदिकाल उनके यहाँ मौजूद था, इसी आदिकाल में एक वीर गाथा काल अलग से प्रकरण मात्र है, या उदाहरण के लिए रीतिकाल के प्रसंग में नाम दे दिया श्रृंगार काल, या इसी तरह से अन्य चीजों में सिर्फ नामकरण में थोड़ा बहुत हेर फेर करके उसी को मौलिक कहने की कोशिश की गई। जबकि आचार्य शुक्ल के इतिहास को आप देखिएगा तो उसमें बहुत ही व्यवस्थित किस्म का एक ढांचा दिखाई पड़ता है, जो अपने समय की मांग के अनुरूप लिखा गया है, और उसमें भाषा का इतिहास, समाज का इतिहास, पूरे के पूरे भारतीय जनता का सामाजिक इतिहास प्रत्यक्ष आपको दिखाई पड़ता है साहित्य इतिहास के माध्यम से। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो आचार्य शुक्ल का इतिहास है उसके लिए, साहित्य का इतिहास है उसके लिए, सबसे पहले तो जो जरूरी चीज है, मान लीजिए कि इतिहास हमें लिखना है, साहित्य का इतिहास लिखना है, तो इसके लिए मुझे साहित्य की ऐसी धारणा बनानी पड़ेगी जिसका इतिहास लिखा जा सके। उन्होंने साहित्य की ऐसी धारणा बनाई है, वह जो धारणा उन्होंने बनाई है उसमें सबसे पहले उन्होंने साहित्यिक को असाहित्यिक से अलग किया है। जो साहित्यिक को उन्होंने असाहित्यिक से अलग किया है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने धार्मिक ग्रंथों से साहित्यिक ग्रंथों को अलग किया है। धार्मिक ग्रंथों से साहित्यिक ग्रंथों को अलग करने का उनका मानदंड क्या है? उनका मानदंड यह है कि जो चीजें सभी लोगों के भाव जगत को स्पर्श नहीं करती हैं वे एक संप्रदाय विशेष का धार्मिक ग्रंथ हैं, जबकि साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह समूचे समाज को, समूची जनता के भाव जगत को छूता है। तो सबसे पहले उन्होंने साहित्यिक ग्रंथों से धार्मिक ग्रंथों को अलगाया है, और यही उन्होंने आधुनिक काल में भी किया है। यह जैसा कि मैंने कहा धार्मिक ग्रंथों से साहित्यिक ग्रंथों को अलगाना, यह तो उन्होंने आदिकाल के प्रसंग में किया है, लेकिन आधुनिक काल के प्रसंग में उन्होंने इसी तरह से रहस्यवाद से साहित्य को अलगाया है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि यह जो रहस्यवाद है यह भी एक तरह का सांप्रदायिक मत है। प्राचीन काल में वे देख चुके थे, आदिकाल के प्रसंग में देख चुके थे कि जो योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद है, इसके लिए उन्होंने शब्दावली दी अलग से कि एक साधनात्मक रहस्यवाद होता है और एक भावात्मक रहस्यवाद होता है। साधनात्मक रहस्यवाद को उन्होंने साहित्य के लिए अछूत माना, भावात्मक रहस्यवाद को उन्होंने साहित्य के भीतर माना, क्योंकि भावात्मक रहस्यवाद में मनुष्य की एक खास तरह की जो आदिम उत्सुकता है वो दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए जो लिखा कि चिड़िया को किसने बताया कि सूरज उगने वाला है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, तो यह जो प्रश्न है वह प्रश्न रहस्यवाद का या साधनात्मक रहस्यवाद का नहीं है, बल्कि यह एक खास तरह का भावात्मक रहस्यवाद है जो मनुष्य की आदिम जिज्ञासा वृत्ति से संबद्ध है। इसको वो साहित्य के भीतर परिगणित मानते थे, जबकि खेचरी मुद्रा बनाना और अनहद नाद को सुनना, चेतना को ऊर्ध्व जगत में ले जाना, यह सब कुछ वो साधनात्मक रहस्यवाद के भीतर का मानते थे, जिसके आधार पर उनका यह कहना था कि ये चीजें सामान्य जनता के हृदय को नहीं छू सकती हैं। साहित्य वह है जो सामान्य जनता के हृदय को छुए। तो साहित्य का इतिहास लिखने के लिए सबसे पहले उन्होंने साहित्य की एक ऐसी धारणा बनाई जिसमें जन समुदाय शामिल हो, और तीसरी बात यह कि यह जन समुदाय उनके साहित्य के इतिहास में निरंतर मौजूद है। जैसा कि हमने कहा कि रचनाओं की प्रसिद्धि को एक काल विभाजन का मानदंड बनाने के रूप में यह जन समुदाय मौजूद है। दूसरी बात आप देखिएगा कि आधुनिक काल में जैसे जैसे छपाई के कारण रचनाओं के ग्रहण में
उनके प्रस्तुति में भेद आता जाता है, वैसे वैसे उसको भी वो चिन्हित करते जाते हैं, और इसलिए उनका हिंदी साहित्य का इतिहास सिर्फ साहित्य का इतिहास नहीं होता है, बल्कि उसको अगर लाक्षणिक ढंग से पढ़ा जाए तो वह समाज का इतिहास भी होगा, पाठकों की चेतना का भी इतिहास होगा, और उन पाठकों की चेतना को बनाने वाले सामाजिक परिवर्तनों का भी इतिहास होगा। रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास का सबसे बड़ा महत्व यही है कि वह सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वहां से उठ करके वह समूचे समाज को और एक तरह से भारत के सांस्कृतिक इतिहास का प्रतिबिंब जैसा बन जाता है।